नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। देश में कोरोना से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कहीं अंतिम संस्कार के लिए तो कहीं अस्पताल के लिए। लेकिन ऐसे में जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं उन्हें तो सही से अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो पा रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बलिया की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यकीन मानिए देख नहीं पाएंगे। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं लेकिन दिखानी जरूरी है। लेकिन घबराइए नहीं, हम आपको उतनी ही तस्वीर दिखाएंगे जितनी दिखा सकते हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर इस कदर कहर बरपा रही है कि उसने मानवता को तार तार करके रख दिया है। सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है और हालात ये हो गए हैं कि प्रयागराज में कोरोना से मरने वाले कुछ लोगों को तो सही से अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा है। इसीलिए कहीं कोई गंगा किनारे लाशें फेंक रहा है तो कहीं कोई रेत में शवों को दफन कर रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादातर शमशान घाटे लाशों से भरे पड़े हैं और लोगों को अंतिम संस्कार के लिए वहां लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। लेकिन बलिया में जो हुआ उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। दरअसल गंगा किनारे मालदेपुर घाट पर लावारिस मिली लाशों को पहले तो जानवर खाते हुए दिखाई दिए। इस तस्वीर ने हर किसी की आंखों को नम कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब वहां से लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी, पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए लेकिन पुलिस ने भी वहां कोई मानवता नहीं दिखाई और वहां मौजूद डोम राजा ने शव को रस्सी में बांध कर खिंचवा लिया और फिर मुर्दों की जली लकड़ियों के टुकड़ों को उठा उठा कर लाकर गाड़ी के टायर रख कर उस पर पेट्रोल डालकर जला दिया। अंतिम संस्कार की खाना पूर्ति कर डाली और पुलिस वहाँ खड़े होकर वीडियो बनाती रही। जितना लाश है हम जराई लसाओ। अच्छा, तो अभी गंगा जी में लाश बह के आ रही हैं सब? अभी दुगो लाश कम जरावत है नहीं। अच्छा, किसने कहा था जलाने? सिपाही लोग कह लो, इंचार्ज साहब, बड़े साहब लोग कह लो। अच्छा, तो ये लाश बह के आई थी? हाँ, बह के आई लाश, दरिया से बह के आई। अच्छा, तो इधर बह के आने वाली लाशों की संख्या ज्यादा हो गई है क्या? अब तो संख्या कहते ना बता सके, बॉय क्या तो तभी नहीं लगता है छाछी पर बाबू। अच्छा, तो दो लाश अभी आपने क्या किया? तो दो लाश, दो बाडी यहाँ पर हम जरावत नहीं साहब लोग के सामने। लेकिन सीएम योगी ने आदेश दिया था कि यूपी में गंगा किनारे आ रही लाशों का अंतिम संस्कार सही ढंग से होना चाहिए ताकि प्रदूषण ना फैले। लेकिन यहां तो सीएम योगी की पुलिस उनके ही आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।